दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 24 मई 2021 आज के लव राशिफल के बारे में। आज आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ यानी आपके रिलेशनशिप की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों लव राशिफल शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, हमारा लव राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस लव राशि फल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लव राशि फल। आज चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे और चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा रहेंगे। तो किस प्रकार का गोचर आज के चंद्रमा आपके लिए बनाते हैं, किस प्रकार की स्थिति बनाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों राशिफल शुरू करें उससे पहले एक जानकारी आपको और दे दें कि हम जून 2021 का लव राशिफल, मासिक लव राशिफल आपको देना प्रारंभ कर चुके हैं। चार राशियों के बारे में जानकारी दे चुके हैं। अगर आपकी राशि कोई भी है तो आप जाकर के देख सकते हैं और वहां पर पूरा लव राशिफल आपको मिल जाएगा, और बाकी बची हुई राशियों का भी हम निरंतर दे रहे हैं, रोज एक राशि का राशिफल प्रदान कर रहे हैं। तो वहां पर जाकर के जरूर देख लीजिएगा कि आपके जून के महीने में क्या स्थिति बन रही है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं लव राशि फल। सबसे पहले बात करेंगे राशियों क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों, आपकी राशि से सप्तम भाव में आज मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर रहेगा। तो आज के दिन विशेष रूप से अगर आप सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आप दोस्ती करते हैं, बातचीत करते हैं, तो जल्दबाजी ना करें। आज आपके अंदर धैर्य की कमी बहुत ज़्यादा होगी और आप जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा ही ईगो दिखाएंगे। वो बात आपके जो भी व्यक्ति हैं, जो आपके क्रश हैं, जिन्हें आप पसंद करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आएगी। इस बात से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपने आप पर बहुत कंट्रोल रखें। धैर्य आप बहुत ज़्यादा ही अपने आप साथ रखें और किसी प्रकार से धैर्य ना खोएं। और अगर हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आज के दिन विशेष रूप से आपके पार्टनर आपकी परीक्षा ले सकते हैं, कुछ चीज़ों में वो आपको आजमा सकते हैं। और आप जल्दबाजी करेंगे तो और ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। और परीक्षा में सफल होना है तो सबसे पहले का मूल मंत्र ये समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई बात ना बोलें। अगर किसी प्रकार से आपने सोच रखा है कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो ये जो सोच है वो आपको बदलनी होगी, क्योंकि वो व्यक्ति आज वैसा ही करने वाला है जैसा आपने सोच रखा है। और वो केवल इसलिए करने वाला है वैसा ही क्योंकि वो आपकी परीक्षा लेना चाहता है, वो आपकी असलियत को जानना चाहता है। और वो असलियत आपकी, अगर आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप वैसे हैं नहीं लेकिन आपकी सोच वैसी हो गई है, अभी वर्तमान में आपकी सोच अपने पार्टनर के प्रति वैसी हो चुकी है, इसलिए उस सोच को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए आपको अपनी वाणी पर और अपने आप पर कंट्रोल करना होगा। छोटे से बातों पर आप बहक जाएं और परीक्षा में फेल हो जाएं तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशान करने वाली होगी। इसलिए किसी भी प्रकार से जल्दबाजी में कोई भी बात ना कहें, जल्दबाजी में कोई डिसाइड ना करें कुछ भी, इस चीज़ का ध्यान रखें। वैसे लव लाइफ की स्थितियां ठीक रहेंगी। आज वो कुछ चरित्र के बारे में, खास करके आपके कैरेक्टर के बारे में, या आप क्या सोचते हैं, आप क्या बातें छिपा रखी हैं, क्या आपके मन में है, आपके अंदर की भावना क्या है, उसको जानने के लिए परीक्षा में ज़्यादातर प्रयत्न करेंगे, परीक्षा लेंगे उसकी। मैरिड लाइफ स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज लव मैरिज को लेकर के बातचीत कर सकते हैं और आज वो कुछ डिसाइड कर सकते हैं आपको लेकर के, फ्यूचर को लेकर के। बहुत ज़्यादा आपकी मैरिड लाइफ में भी स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन मैरिज को लेकर के आज बहुत ज़्यादा चिंतित होंगे, लव मैरिज को लेकर के आपके पार्टनर। बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां बहुत सही, मतलब नॉर्मल कह सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से आपको अपनी फैमिली पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वहाँ से बिगड़ सकती हैं स्थितियाँ, जिससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आप, वैसे स्थितियाँ सामान्य रहेंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से षष्ठम भाव में चंद्रमा आज झगड़े करवा सकता है, बहस करवा सकता है, या आपके बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ा सकता है। आप प्रपोज करते हैं किसी को तो पता लग सकता है कि वो
आपको प्रपोज आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट ना करे और रिजेक्ट भी ना करे, आपको वेटिंग लिस्ट में डाल दे, वो किसी और को पसंद करता है, वो व्यक्ति उसे भाव नहीं देता, ऐसी बातें आपको पता चल सकती हैं। इससे परेशानी थोड़ी सी, मन विचलित होगा, मन अशांत होगा और थोड़ा गुस्सा अधिक आएगा। आज विशेष रूप से आपको थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, मैरिड लाइफ में भी, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। बहस करने से बचना होगा और मैरिड लाइफ की स्थितियाँ झगड़े में परिवर्तित ना हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डाइवोर्स जैसी स्थिति बनी हुई है तो बातचीत से आज बिल्कुल भी कोई भी फैसला ना लें, बातचीत करेंगे तो बात और बिगड़ जाएगी, गलत फहमियाँ बन सकती हैं आज रिलेशनशिप में, ये स्थिति बनेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, लेकिन झगड़े इत्यादि जरूर हो सकते हैं, पुरानी बातों को लेकर के बहस हो सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों सिंगल हैं, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं, लव लाइफ में स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी, प्रेम संबंध बहुत सुधरेंगे, हर प्रकार से लव लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ लौट कर आएंगी। अगर ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप हो सकता है आज के दिन आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट उपहार दे सकते हैं आपके पार्टनर, और आज आपको मनाने का प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। आज अगर उनसे कोई गलती हो जाती तुरंत ही आपसे सॉरी बोलेंगे, आज वो आपसे बोलेंगे कि मैं आपको कभी खोना नहीं चाहता हूँ, खोना नहीं चाहती हूँ, मतलब हर प्रकार से आपके होना ही चाहते हैं। और अब तो वो ये भी बोल देंगे कि अब तो आपकी आदत लग गई है, अब अगर आप चले गए तो न जाने क्या होगा, ऐसी बातें करेंगे। और मैरिड लाइफ में स्थितियाँ सामान्य हैं, प्यार रहेगा, आज मैरिड लाइफ भी नवीनतम दृश्य देखेगी और बहुत कुछ अच्छा होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में स्थितियाँ सामान्य रहेंगी, वहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छी भी स्थिति नहीं है और बुरी भी नहीं है। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में रहेगा, आज बहुत ज़्यादा आप इमोशनल रहेंगे और हर प्रकार से आपको आपकी फीलिंग की कद्र करने वाला व्यक्ति मिलेगा। आज किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आज आपकी फीलिंग के पार्टनर कद्र करेंगे और आपकी भावनाओं को समझेंगे। आज हर प्रकार से आपके लिए अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर कहीं व्यस्त होता है, बिजी होता है, मैरिड लाइफ में खास करके, तो किसी प्रकार से कोई जिद्द न करें, इस चीज़ का ध्यान रखें आज के दिन। अगर जिद्द करते हैं तो वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बन सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियां सामान्य रहेंगी। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों आपकी राशि से ये गोचर तृतीय भाव में रहेगा, तो देखा जाए आज के दिन आपकी किसी से दोस्ती हो सकती है, आज स्थितियां सुधर सकती हैं, आज किसी पर विश्वास ज़्यादा हो सकता है, आज मैरिड लाइफ में जिम्मेदारियों का एहसास हो सकता है, पार्टनर से सॉरी कह सकते हैं, गलती की माफ़ी मांग सकते हैं और नई शुरुआत कर सकते हैं। स्थितियां आपके लिए लगभग अच्छी हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज पैचअप हो सकता है, अगर ब्रेकअप हो गया है, बहुत दिनों से किसी से बात नहीं हुई है, बहुत दिनों बाद में बात हो सकती है, ये स्थिति है। दोस्तों बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों आपकी राशि से ये गोचर द्वितीय भाव में रहेगा, तो देखा जाए तो आपकी लव लाइफ में काफ़ी खुशियां लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है तो अपनी वाणी पर, मुँहफट स्वभाव हो जाएगा, बात बात पर जवाब देंगे, ये बात आपके पार्टनर को पसंद नहीं आएगी, तो आज के दिन उन्हें बात बात पर जवाब न दें और कुछ चीज़ों पर आपको चुप रहना होगा, उनकी कुछ गलतियों को भी इग्नोर करना होगा, ये स्थिति है। लव लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लौट कर आएंगी, एक्स वापस भी आ सकते हैं आज के दिन, और आज के दिन विशेष रूप से आपकी लव लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सुधरती हुई नजर आएंगी। हाँ, बस वाणी पर आप नियंत्रण रखें, बातें छिपाएं ना और ज़्यादा बातें बोले ना। मैरिड लाइफ की स्थितियाँ थोड़ी सी खराब हैं, वहाँ पर कुछ बातें आपके पार्टनर आपसे छिपा सकते हैं, आज वो आपको कुछ बातें नहीं बताएंगे, इस बात से आप थोड़े से व्याकुल रहेंगे, क्यों नहीं बताया, ऐसी बातें क्या बात हो सकती है, ऐसी आपके मन में इच्छा जागृत होगी, लेकिन वो नहीं बताएंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ थोड़ी ऐसी हैं कि मजाक ज़्यादा होगा और आपके साथ में ब्रेकअप जैसी स्थिति बनने की स्थिति है, लेकिन परीक्षा के रूप में आपके साथ में ब्रेकअप का मजाक कर सकते हैं आज।
कि ब्रेकअप का मजाक कर सकते हैं और झूठ मूठ का ब्रेकअप करने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे आपकी असलियत या आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में वो जानना चाहते हैं कि आपको अगर कोई छोड़कर जाता है तो आप कैसा व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को ऐसा नहीं जताना है कि उसके जाने से आपको कोई फ़र्क पड़ रहा है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे ही वो व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको बहुत ज़्यादा आपसे लगाव है, इसीलिए आप उसे परेशान नहीं कर रहे। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, आपकी राशि में ही चंद्रमा का गोचर है, तो आज देखा जाए तो विशेष रूप से आपकी स्थितियां ऐसी हैं कि आप अगर किसी को प्रपोज करते हैं तो वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा आपके बारे में सवाल जवाब ज़्यादा करेगा, आज बहुत सारी चीज़ें जानना चाहेगा, कोई बात छिपाए ना, मतलब एक तरह से हर बात उन्हें बतानी ही होगी आपको अगर आप किसी को प्रपोज करते हैं। और अगर छिपाएंगे तो आपका रिश्ता बिगड़ जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति से आप कोई बात छिपा ही नहीं सकते जो व्यक्ति आपने अपने लिए चुना है। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है और बहुत ज़्यादा सोचता है, और वो छोटी छोटी बातों को पकड़ लेगा आपकी, आज वो किसी बात को भी छोड़ेगा नहीं, इसलिए हर बात बताइएगा। और रिलेशनशिप में आपके लिए लव लाइफ में काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आज पार्टनर परीक्षा लेने की कोशिश कर सकते हैं, आपको आजमा सकते हैं कई चीज़ों को लेकर, और आपके कैरेक्टर को लेकर के भी परीक्षा कर सकते हैं। आज वो कुछ झूठ भी बोल सकते हैं आपसे, लेकिन आप उनसे झूठ मत बोलिए। ये स्थिति है। मैरिड लाइफ की स्थितियां सामान्य रहेंगी, वहाँ पर बस मतभेद की स्थिति थोड़ी हो सकती है, विचार मैच ना करें, कुछ ऐसे डिसीजन आप लें जिससे उनके विचार मैच ना करें। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ सामान्य रहेंगी, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से गोचर द्वादश भाव में है, आज झगड़े हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, बहस हो सकती है। आज के दिन आप अपने पार्टनर के खर्चे ना करवाएं, अगर आज ज़्यादा खर्च करवाते हैं उनका तो वो आपको कुछ अभद्र बोल सकते हैं, कुछ बुरा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा बोल सकते हैं भले ही मजाक में बोलें जो आपको बुरा लग जाए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पैसों की ज़रूरत है और आप उनके द्वारा उनसे खर्च करवा देती हैं, क्योंकि वो आपकी हर बात मानते हैं और वो आपके लिए खर्च कर देते हैं। तो वहाँ पर आप अपने पार्टनर को मजबूर ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। विशेष रूप से आपको थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी इत्यादि आपके बीच में कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। आज के दिन विशेष रूप से किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से झगड़े हो सकते हैं, तनाव हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, ये स्थिति है। आज मैरिड लाइफ में सिचुएशन ज़्यादा ख़राब रहेगी, नफरत हो सकती है या किसी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम मैरिड लाइफ में भी नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ अच्छी हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार रहेगा और बहुत सारी स्थितियाँ सुधरती नजर आएंगी, ब्रेकअप से पैचअप भी हो सकता है। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, आपकी राशि से ये गोचर एकादश भाव में रहेगा, तो बहुत सारी स्थितियाँ अच्छी हैं, प्यार रहेगा, आज का दिन पूरा अच्छा बीतेगा, गिफ्ट उपहार मिल सकते हैं और हर प्रकार से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होने वाली है, कॉन्टैक्ट हो सकता है, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है तो मुलाकात हो सकती है, आज मिलने जा सकते हैं, बात हो सकती है, बहुत सारी स्थितियां अच्छी हैं, हर प्रकार से आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। मैरिड लाइफ में बहुत सारी खुशहाली आएगी, मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थोड़ा सा ख़राब नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ पार्टनर सेल्फिश हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं, ये स्थिति है। कुछ बातें भी छिपा सकते हैं, कुछ झूठ भी बोल सकते हैं आपसे, ये स्थिति। दोस्तों बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपकी राशि से ये गोचर दशम भाव में रहेगा, आप अगर सिंगल हैं तो आज किसी को प्रपोज ना करें, आज आपके रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर सकते हैं, अकेलापन थोड़ा महसूस होगा और विशेष रूप से आपको बहुत अधिक मात्रा में आप अपने पार्टनर से बहुत जलन महसूस करें, अगर पार्टनर किसी भी काम में व्यस्त है, किसी से बात करता है तो जलन महसूस हो सकती है, आज वो आपको जलाने का प्रयास भी कर सकते हैं, आपके साथ में मजाक भी कर सकते हैं, ये भी स्थिति। मैरिड लाइफ की स्थितियाँ सकारात्मक हैं, ठीक हैं, पॉजिटिव हैं, कोई ज़्यादा अच्छी बात भी नहीं है और बुरी भी नहीं, नॉर्मल रहेगी आज मैरिड लाइफ। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज नई शुरुआत हो सकती है, हंसी मजाक हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, विश्वास बढ़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से नवम भाव में चंद्रमा ये दर्शाता है, आज के दिन
कोई नया दोस्त बन सकता है, किसी को प्रपोज कर सकते हैं, आपकी दोस्ती गहरी हो सकती है, विश्वास गहरा हो सकता है, प्यार बढ़ सकता है, प्यार बहुत ज़्यादा गहराइयाँ लेगा, बहुत सारी स्थितियाँ सकारात्मक रहेंगी, ब्रेकअप से पैचअप हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, मैरिड लाइफ की स्थितियाँ बहुत सुधरती नजर आएंगी। अगर आपके डाइवोर्स इत्यादि की स्थिति बन रही थी, झगड़े विवाद चल रहे थे, आपकी वाइफ या हस्बैंड रूठे थे आपसे, या वाइफ अपनी मायके चली गई हैं, तो वहाँ से स्थितियाँ सुधरेंगी, और ससुराल पक्ष से भी संबंध अगर खराब थे तो वो सुधरेंगे। यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थितियाँ कुछ प्रॉब्लम में हैं, क्योंकि आपके कुछ व्यवहार की वजह से और कुछ आपके पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति चेंज हुआ है उसकी वजह से। उसके साथ साथ धन का आदान प्रदान आज बिल्कुल ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, आपकी राशि से चंद्रमा अष्टम भाव में रहेगा, तो देखा जाए आज के दिन विशेष रूप से आपके ब्रेकअप की स्थिति बन रही है, या आपके पार्टनर का व्यवहार आज आपके लिए बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। आज व्यवहार चेंज होता हुआ दिखेगा और वो आपकी बिल्कुल भी केयर नहीं करेंगे, और आपको वाणी से अभद्रता या किसी प्रकार से मुँहफट स्वभाव, बहुत ज़्यादा अभद्र बोलें या और आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करें, ऐसी स्थिति भी बनेगी। आज बात बात पर आपके लिए परेशानी नज़र आएगी, और हर बात पर भी बहुत रूढ़ हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे लगेंगे जिससे उनका व्यवहार पूरी तरह से चेंज हो गया आपके लिए, वो बात नहीं करना चाहते हैं, वो बात किसी और से कर रहे हैं, अब वो बात ही नहीं करना चाहते हैं, ये स्थिति बनेगी जिससे आपका मन करेगा कि ब्रेकअप कर लें। लेकिन ऐसी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगी, आप ब्रेकअप की सोचेंगे लेकिन फिर से वही आप भुला नहीं पाएंगे, छोड़ नहीं पाएंगे, तो ये चीज़ें आपको परेशान करेंगी और फिर से स्थितियाँ सुधर जाएंगी कुछ समय बाद। और यहाँ पर मैरिड लाइफ में स्थितियाँ थर्ड पार्टी की हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आज वो कुछ मजाक कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, या कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिससे आप उनके बारे में जो सोचते हैं, जो आपके अंदर के विचार हैं, वो आपसे निकल जाएं, ऐसी स्थिति है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यह लव राशिफल आपको बताया, अगर आप लव टिप्स देखना चाहते हैं तो लव टिप्स का वीडियो आपको शॉर्ट विद अतुल जी पर मिलता है, शॉर्ट विद अतुल जी चैनल है हमारा, उस पर आप जाकर के आज का लव टिप्स देख सकते हैं, आज का उपाय देख सकते हैं, वहाँ पर आप उपाय कर सकते हैं। तो आज जो लव लाइफ में प्रॉब्लम बन रही है वो प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होंगी, और उनसे आप छुटकारा पाएंगे, आज का दिन आपका बढ़िया जाएगा। यह था आपका लव राशिफल। अगर आपको लव राशिफल पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।